केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कश्मीर में लोग अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए स्कूलों को जला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के मुताबिक अलगाववादी अपनी चाल में कामयाब हो रहे हैं और खामियाजा कश्मीर के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। I think it's more of a frustration by some of the disgruntled elements who are not able to carry on with their political agenda, and therefore this is politics by other means. But certainly the youth of 2016 does not approve of that, and the youth of India has come of age, and a country like India in 2016, which has more than 65% of population below the age of 35 to 40 years, cannot afford this to continue. ये मूर्खता, पागलपंती और देशद्रोह काम है। कोई भी व्यक्ति किसी देश में स्कूलों को जलाए और उसको कैसा समर्थन कर पाए, हमको समझ में नहीं आ रही। अपील करता हूं जम्मू कश्मीर लोगों से भी, ऐसी लोगों को समाज से एकदम अलग करना चाहिए, और वहां का स्थानीय प्रशासन भी इनके पीछे जो तथ्य है उनके ऊपर ठोस कदम उठा के कठोर निर्णय करके एक्शन लेना चाहिए।